खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कैप के विरोध में फिल्म जगत से सितारे अब क्रांति मैदान में जुटने लगे हैं। इस समय हमारे साथ में साकिब हैं, जो फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं और लगातार अपनी आवाज समक्ष रखते रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करते हैं। साकिब, कैप का विरोध आज सभी कर रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे कोई भी हो, आप की क्या विचारधारा है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इतने सारे लोगों को यहाँ देख के दिल को खुशी मिलती है कि हम सब एक हैं और हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। एंड इट्स जस्ट आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड स्टैंडिंग हियर सीइंग सो मच सपोर्ट एंड आई फील लाइक आई एम नॉट इन दिस अलोन, द होल कंट्री इज विद मी। जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली हो या आसाम हो, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज यहाँ पर भी आंदोलन छिड़ा हुआ है, भारी संख्या में लोग जमा हुए हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? यार, आप अपने स्टूडेंट्स को तो मत मारिए। आई एम सेइंग स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड हमें एजुकेशन इसलिए मिलती है कि हमारे पास एक राइट टू क्वेश्चन होता है। वी कैन क्वेश्चन इफ वी फील समथिंग इज रॉन्ग एंड आई थिंक ये सिंगल आउट करा जा रहा है और इट इज नॉट करेक्ट। एंड बाय सीइंग, लाइक आई सेड बिफोर, लाइक बाय सीइंग सो मच सपोर्ट टुडे, इट मेक्स मी फील लाइक दैट वी विल नॉट लेट इट हैपन। आपने कहा कि लोगों को सिंगल आउट किया जा रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो किसी भी धर्म या जाति को अलग नहीं करता है, चिंता का विषय नहीं है, सबको अधिकार दिया जाए। आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? जो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज की माइनॉरिटीज हैं, जो कुछ प्रोसिक्यूशन में है, अपनी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में है अपनी कंट्री में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी एक्सेप्ट मुस्लिम्स ऑल ये। बट हमारी तो हमेशा से एक सेक्युलर कंट्री थी ना, हमारा संविधान ही सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है। और जब मैं जिस देश में मैं बड़ा हुआ वहाँ तो मुझे मेरा मज़हब ही जब मैं 15 साल का हो गया था तब पता चला, और अब मुझे लग रहा है कि मैं मुसलमान हूँ सडनली, बिकॉज इससे पहले तो मुझे इस देश में कभी फील ही नहीं हो रहा था। आई फेल्ट लाइक हर त्यौहार मैं मनाता था, हर बंदा मेरा दोस्त था, मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में सोचा ही नहीं था जितना लास्ट 2 साल में लोग रिलीजन की बात करने लगे। एंड दैट्स नॉट द इंडिया आई ग्रू अप इन, बट होप्स आर अलाइव कि इतने सारे लोगों को देख के दे ऑल फील द सेम दैट वी ऑल टुगेदर एंड देयर इज ओनली वन इंडिया। साकिब, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। साकिब का कहना है कि भले ही बिल के विरोध में आज भारी संख्या में अगस्त क्रांति मैदान में लोग जुटे हुए हैं, जिस मुंबई में वो पले बड़े हैं उन्होंने कभी धर्म को लेकर किसी भी तरीके की जो भेदभाव है उसको नहीं देखा, लेकिन आज उन्हें ये चीज का महसूस हो रहा है कि आज वो मुसलमान हैं, आज किसी एक जाति को ताल्लुक रखते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।